जमुई शहर के आजाद नगर मोहल्ले में लड़की की छेड़खानी का विरोध करने पर कई युवकों ने जमकर पिटाई कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने जमुई शहर के मसौरी चौक को जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। रिपोर्ट के अनुसार बीते 14 अगस्त को आजाद नगर मोहल्ले में कुछ युवकों द्वारा एक लड़की के साथ छेड़खानी कर मोहम्मद पप्पू सुल्तान के पुत्र जैद सुल्तान द्वारा विरोध करने पर आजाद नगर मोहल्ले के ही मोहम्मद दानिश, मोहम्मद फहद, मोहम्मद परवाज, मोहम्मद सकलेन, मोहम्मद महरोज एवं मोहम्मद साकिब ने मोहम्मद जैद सुल्तान के साथ जमकर मारपीट किया, जिससे मोहम्मद जैद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक मोहम्मद जैद सुल्तान की लाश जमुई पहुंचने पर परिजन एवं ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शनिवार को दोपहर में मसौरी चौक जाम कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद दानिश। अच्छा, लड़का को, लड़की को छेड़ रहा था वहाँ बैठ के, ये गया समझाने के लिए। कौन समझाने गया? जो उसका मर्डर हुआ। क्या नाम है उसका? जैद सुल्तान। अच्छा, वो गया उसको समझाने के लिए, घर के पास कर रहा था। कौन कौन कर रहा था? नाजिज था एक नाम का लड़का। अच्छा, तो उसको मारा नाजिज को, तो उसका अपना भाई को लेके आया, फिर अज्ञात व्यक्ति मारा। अच्छा, ये कहे के लिए मारपीट हुआ था? लड़की लोग को छेड़ता था, वही चीज घर के पास छेड़ा था, तो मना किया टाइम मेरा घर के पास। अच्छा, जिसका मौत हो गया है वो मना किया था, उसी को सब पिटाई कर दिया। उसका भाई लोग सब मिलकर आगे उसको मारा। मारा, ये कब का घटना है? 14 तारीख का था। 14 अगस्त का घटना है, और उसी दिन ये सब मारपीट आई हुई थी। उसका इलाज चल रहा था पटना में, और उसी दौरान उसकी मौत हो गई है। आप क्या मांग है इन लोगों का? अरेस्ट चाहिए हम लोगों को। वो जो है उसका अरेस्ट होना चाहिए।